नमस्कार, मैं प्रनन्या श्रीवास्तव इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से। आज 23 मार्च 2021 शहीदी दिवस है। शहीदी दिवस क्यों मनाया जाता है ये आज मैं आप सबको बताने जा रही हूँ। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को आज देश में कौन नहीं जानता, उन्हीं की याद में 23 मार्च को शहीदी दिवस मनाया जाता है। दरअसल इसी दिन साल 1931 में इन तीन वीर सपूतों को अंग्रेजी हुकूमत ने फांसी दे दी थी। उन्हें लाहौर षड्यंत्र के आरोप में फांसी पर लटकाया गया था। लेकिन क्या आपको पता है कि इन तीन वीर सपूतों को फांसी देने की तारीख 24 मार्च 1931 तय की गई थी, लेकिन उससे एक दिन पहले ही यानी 23 मार्च को ही उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। यह खबर देश भर में आग की तरह फैल गई थी। दरअसल इन तीन वीर सपूतों को फांसी दिए जाने की खबर से देश में लोग भड़के हुए थे और वह उन्हें देखना चाहते थे। तीनों की फांसी को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहे थे। इससे अंग्रेजी सरकार डर गई थी। उन्हें लग रहा था कि माहौल और बिगड़ सकता है, इसलिए उन्होंने फांसी का दिन और समय बदल दिया और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को एक दिन पहले ही फांसी दे दी गई। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली में बम फेंके थे। बम फेंकने के बाद वहीं पर दोनों ने अपनी गिरफ्तारी भी दे दी थी। इसके बाद करीब 2 साल उन्हें जेल में रखा गया और फिर बाद में भगत सिंह को राजगुरु और सुखदेव के साथ फांसी पर चढ़ा दिया गया था। भगत सिंह कई भाषाओं के जानकार थे। उन्हें हिंदी के साथ साथ बांग्ला, उर्दू, पंजाबी, अंग्रेजी भी आती थी। बांग्ला उन्होंने अपने साथी बटुकेश्वर दत्त से ही सीखी थी। उन्होंने अपने लेखों के माध्यम से भारतीय समाज में लिपि, जाति और धर्म के कारण आई दूरियों पर दुख भी व्यक्त किया है। आज भी भारत की जनता भगत सिंह को आज़ादी के दीवाने के रूप में देखती है, जिसने अपनी जिंदगी देश के लिए समर्पित कर दी। जय हिंद, जय भारत, और आप सबको शहीद दिवस की बहुत शुभकामनाएं।